हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक दोहर, डबल बेड का दोहर, जो हम एसी के नीचे चद्दर लेते हैं ना, ओढ़ने वाली चद्दर, वो बनाएंगे डबल बेड की। तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ कपड़े के पीस पड़े हैं, जिनको हम मिक्स एंड मैच करेंगे, यानी पैच वर्क यहाँ पर हम करेंगे। और एक साइड हम ये वाला स्टफ़ जो है इसको यूज़ करेंगे, कॉटन का स्टफ़ है ये सारा, और एक में ये यूज़ करेंगे। तो इसका हम अब कटिंग करेंगे और बीच में डालेंगे हम इसमें फेललन का एक पीस। तो फ्रेंड्स, अब इसकी हम कटिंग करते हैं। इन दोनों का हम पैच वर्क करेंगे, पैच करेंगे इन दोनों को आपस में। और ये जो है इसको मैंने यहाँ पर, ये एक पूरा दो पीस थे, इनको यहाँ पर जोड़ के एक पीस जो है वो तैयार किया है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से हमने इसको बनाया है। देखिए, ये साइडों पे ये जो पोल्का डॉट है, ये वाला हमने इसमें यूज़ किया है, और बीच में ये प्रिंट वाला लिया है। ये दोनों तरफ से ऐसे पोल्का डॉट जो है वहाँ पर हमने यूज़ किया है, और बीच में प्रिंट। तो ये तो हमारा एक साइड का जो है वो रेडी हो गया है। बिल्कुल सीधा सीधा हमने ये पूरे डबल बेड के नाप से इसको बनाया है। लेकिन एक साइड पर हम थोड़ा सा पैच वर्क करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ एक पीस, तो ये मैं डबल किया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे डबल करके इसके चार फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम ना इसकी पट्टियाँ निकालेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी फोटो लेंथ ले रही हूँ 15 इंच। कपड़े के मैंने चार फोल्ड किए हैं, 15 इंच। आ गया हमारे पास 15 इंच का पीस। अब हमने यहाँ पर 7.5 पे निशान लगाना है। 7.5 इंच चौड़ा पीस जो है ना, इसका हमने निकालना है। ऐसे ही हम इस सारे कपड़े से पीस फ्रेंड्स निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम जो हमारा ये ऑरेंज कलर का पीस है ना, डार्क कलर का, इसमें से भी हम सेम नाप के पट्टियाँ जो है वो निकाल लेंगे। तो ये मैं ऐसे काट लेती हूँ सारा, फिर आगे आपको इसको सिलना कैसे है, जोड़ना कैसे है वो आपको बताती हूँ। पट्टियाँ काट ली, ये देखिए, ये हमारे इसकी वाइट वाली थी और ये ऑरेंज। तो अब हमने इनको जोड़ना है। तो इनको हमने कैसे जोड़ना है, एक पट्टी हम ये वाली लेंगे और दूसरी ये लेंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे साथ साथ जोड़ते चल जाएंगे। उसके बाद फिर ये वाली लेंगे और फिर आगे ये वाली, चार चार पट्टियों को हमने ऐसे यहाँ पर जोड़ना है, दूसरी इस साइड को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको जोड़ना है, चार चार पट्टियाँ। तो इनको जोड़ के मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने ये देखिए जोड़ दिया, ये चार चार पीस मैंने जोड़ दिए इसके। ऐसे ही मैंने सारे जितने भी हैं हमारे, उस सब मैंने जितने भी हमने ये पीस काट के रखे थे, वो सारे ऐसे ही जोड़ दिए। अब हमने इनका क्या करना है, यहाँ से इसका हाफ करना है एक का, और इसी तरीके से हमने इनको काट के रखना है यहाँ सेंटर में से। इस जो हमारा ये पीस है, इसका सेंटर करेंगे
और बीच में से इसको काट देंगे, इसकी एक की दो पट्टियां बना देंगे हम। हमने ऐसे ही सारी पट्टियों को अपनी को काट लेना है और फिर इनको आगे अरेंज करके इनको जोड़ना है। और जोड़ना हमने ऐसे है कि जहाँ पे हमारा ये ऑरेंज है वहाँ पे हम ये वाइट वाला लगाएंगे और जहाँ पे वाइट वाला है वहाँ पे ऑरेंज वाला लगाएंगे। तो इनको अब हमने एक बार और ऐसे इसकी जितनी बेडशीट की हमारी दोहर की लंबाई है उसी हिसाब से हमने इसका एक बार सेट कर लेना है कि कितना लंबा हमारा आता है, उतनी पट्टियाँ आपस में जोड़ लेंगे। जैसे हम इन दोनों को यहाँ से जोड़ लेंगे आपस में, जैसे मैंने ये रखा है इसी तरह से यहाँ से जोड़ के, और इसकी फिर लेंथ देखेंगे हमें कितनी और पट्टी इधर को चाहिए, उसी हिसाब से हम इनको जोड़ के फिर आगे हम ऊपर को इनकी जोड़ने की शुरुआत करेंगे। तो अभी हम इतना करते हैं फिर आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ऐसे इनको अरेंज करना है, जैसे देखिए ये जहाँ पे वाइट है उसके सामने ऑरेंज आना चाहिए, उस तरीके से हमने इनको अरेंज करना है और उसी हिसाब से फिर इसको हमने जोड़ना शुरू करना है। दो दो पट्टियों को हम आपस में, जैसे मैंने अपोजिट रख लिया है ना एक दूसरे के सामने ऐसे, तो इस तरह से ऐसे इनको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे हम, इस जगह पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और फिर जब ये जुड़ जाएगा उसके बाद ये अगली वाली पट्टी जो है इसको भी यहाँ पर इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही हम अपोजिट रखते जाएंगे आगे आगे और अपनी ये शीट जो है ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो मैं ये कुछ जोड़ के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको जोड़ दिया, सारे कलर जो हैं वो अपोजिट कर दिए एक दूसरे के, यानी वाइट के सामने ऑरेंज और ऑरेंज के सामने सामने वाइट ऐसे कर दिया। और ऐसे ही हमने सारे इसको जोड़ लिया और बीच में मैंने ये थोड़ी सी दो पट्टियाँ अलग से डाली हैं, देखिए इस तरीके से हम ये डबल बेड का बना रहे हैं ना, तो इस तरह से ये सारा हमने जोड़ दिया। अब हमने इसकी बीच में जो फिल करना है उसको इसमें बताऊंगी मैं कैसे हमने इसमें फिल करना है कलर इनको। और जो इसकी बैक का कवर हमने बनाया है, बैक साइड का जो पीस बनाया है उसको भी जोड़ना भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये मैंने ऊपर वाला पीस इसमें बिछा दिया और इसके बीच में हमने डाल दी फललन। ये देखिए ये फललन का पीस मेरे पास पड़ा था, पहले वाला जो दोहा था वो ख़राब हो गया था तो उसका पीस बिल्कुल नया पड़ा था, तो इसको मैं इसमें बीच में डाल रही हूँ। ये बीच में हम बिछा रहे हैं इसके बीच में, और सबसे नीचे हमने वो वाला पीस बिछाया जो हमने अभी पैच करके बनाया, सबसे पहले वो बिछाया, उसके बाद हमने फललन बिछाई और उसके ऊपर जो हमने एक और पीस बनाया इसका दूसरी तरफ का वो हमने यहाँ पर बिछाया। अब हमने जितने भी हमारा ये किनारा है सारा यहाँ पर एक बार पिन कर लेंगे, या आप सुई से मोटे मोटे टांके लगा लीजिए इस तरह से कच्चे टांके लगा लीजिए यहाँ पर, और फिर उसके बाद चारों तरफ इसकी सिलाई करेंगे। लेकिन पहले इसको बाहर से सेट करने के बाद एक सेंटर में सिलाई लगा देंगे ताकि ये बीच में से इकट्ठा ना हो, सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे, कच्चा टांका बीच में लगा देंगे और चारों तरफ हम इसके जितने भी हमारे किनारे हैं उनको चारों तरफ हम ये तीनों चीज़ें आपस में ऐसे सेट करके इनको अच्छी तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पहले तो पिन से कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में हम इसको फाइनली स्टिच करेंगे। तो ये इस तरीके से करके मैं पहले ये फिर आपको बाद में बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इनको जोड़ लिया, तीनों को सेट कर दिया अच्छी तरह से आगे पीछे से दोनों तरफ से, और बीच में जो है फललन इसमें फिक्स कर दी हमने। अब ये जो साइड वाला किनारा है ना इस पे हम एक पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये ब्लैक कपड़ा लिया है और इसके लिए मैंने ये 4 इंच का पीस जो है वो 4 इंच चौड़ाई का जो कपड़ा है वो मैंने यहाँ पे काट के रखा है। तो इसको हमने कैसे बनाना है कि ये इस साइड से मैं ऐसे जोड़ूँगी, बहुत सिंपल सा इसमें जोड़ूँगी इसको, यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे और फिर उसके बाद हमने इसको दूसरी
दूसरी तरफ को इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है, ऐसे उठाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ही इसकी हम फिनिशिंग करेंगे और इसके चारों तरफ जो है हम ये ब्लैक वाली पट्टी इस तरीके से लगाएंगे। तो अभी मैं ये लगा के फिर आपको बाद में बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए रेडी हो गया है बिल्कुल, और इसमें पट्टी भी लग गई है इसके चारों तरफ देखिए, और ये अंदर से कुछ इस तरह से है, एक साइड से इस तरह से है और एक साइड पे इस तरह से है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स हमने ये बेडशीट जो है तैयार कर ली है और इस तरह से नज़र आ रही है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई भी पीस पड़े हो पुराने कपड़ों से भी आप ये बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनती है और बहुत इजी है इनको बनाना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।